बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे एफसीआई एपीएस एग्जाम 2024 में होने वाला है, उसके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टॉपिक हमारा रहेगा आज ई ऑफिस। इसके पहले का टॉपिक फूड फोर्टिफिकेशन हो, एमएसपी हो, एफसीआई का स्टाफ रेगुलेशन हो, या अभी जस्ट इसके पहले आप लोग को हम करवाए हैं जेम पोर्टल, वो सब आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है। थ्योरी क्लास और ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू हमारा है उससे बाहर आपको कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन है ई ऑफिस का, ई ऑफिस क्या है, ठीक है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, और ऑफिस हो गया हमारा डॉक्यूमेंटेशन का जो मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर ई ऑफिस लाया क्यों गया था, आप लोग को भी पता, ऑफिस में पेज का तो बहुत ज्यादा ही यूज होता था, उससे ग्रीनरी हमारा कम हो रहा था। इस कारण से ई ऑफिस लाया गया कि बहुत कम अब पेजेज हमारा बर्बाद हो सके, सारा काम इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो, सारा फाइल का मैनेजमेंट एक जगह हो, कहीं से भी कोई भी ऑफिस कोई भी आरओ सब जगह आप लोगों को कुछ करने का जरूरत नहीं है, सारा मैनेजमेंट आपको एक जगह मिल जाएगा, सारा फाइल आपको एक जगह मिल जाएगा, ठीक है। इसी के लिए ई ऑफिस को बनाया गया है। तो व्हाट इज द ई ऑफिस, तो ई ऑफिस हो गया इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच सेक्टर कॉमनली यूजेज ई ऑफिस फॉर इम्प्रोवाइज वर्क फ्लो एंड डॉक्यूमेंट हैंडलिंग, कौन सा सेक्टर है। देखिए गवर्नमेंट तो अब तो कर ही रही है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ में चल रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द ई ऑफिस सिस्टम इज डिजाइन टू इनहेंस, ई ऑफिस क्यों बनाया गया, किस चीज के इनहेंस करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट का कोलिबरेशन और मैनेजमेंट को सही करने के लिए बनाया गया है ई ऑफिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्लीमेंटिंग द ई ऑफिस इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में ई ऑफिस को इम्प्लीमेंटेशन करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा। तो मेन ऑब्जेक्टिव वही है, स्ट्रीमलाइन ऑफिस प्रोसेस एंड रिड्यूस पेपर वर्क का फ्लो कम करना है, और स्ट्रीमलाइन ऑफिस प्रोसेस को ऑनलाइन करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ ई ऑफिस, ई ऑफिस में क्या फीचर दिया गया है। तो देखिए मैनुअल फाइल सिस्टम नहीं है, डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज एंड रिट्रीवल दिया गया है, आपको याद रखिएगा डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज एंड रिट्रीवल। अगला क्वेश्चन है, इन ई ऑफिस व्हाट डज द टीम ई अप्रूवल, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, अप्रूवल मतलब इलेक्ट्रॉनिक, अप्रूवल प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ई ऑफिस में ई अप्रूवल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज ई ऑफिस प्ले इन द एनवायरमेंटल सब्सटेंस, पेपर बर्बाद नहीं हो रहा है तो हम लोग इन्वायरमेंट को तो मदद कर ही रहे हैं, तो प्रमोट पेपरलेस एंड इको फ्रेंडली ऑफिस प्रैक्टिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया हैज इंट्रोड्यूस द ई ऑफिस सिस्टम फॉर गवर्नमेंट ऑफिसेस, ठीक है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनआईसी के द्वारा लाया गया है, और जेम भी एनआईसी के द्वारा ही लाया गया है, उन्हीं का सब कुछ उस पर काम होता है, तो जिम्मेदार भी वही है। अगला है, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ ई ऑफिस फॉर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट इंप्रूव डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एडवांटेज ऑफ ई ऑफिस इन द टर्म ऑफ इफिशियंसी, इफिशियंसी के टर्म में एडवांटेज आपको बताना है। तो इफिशियंसी के टर्म में क्या हो जाएगा, फास्टर डॉक्यूमेंट रिट्रीवल, इफिशियंसी के टर्म में यही एडवांटेज है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म वर्क फ्लो ऑटोमेशन मीन इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ई ऑफिस, तो रिड्यूसिंग इफिशियंसी, दक्षता को कम करना, ठीक है, अगर वर्क फ्लो ऑटोमेशन का बात किया जाता है तो। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विच टेक्नोलॉजी इज कॉमनली इंटीग्रेटेड विथ ई ऑफिस सिक्योर एक्सेस एंड ऑथेंटिकेशन। देखिए क्या होता है, ब्लॉकचेन के बारे में हम डिटेल पढ़ा चुके हैं, आप लोग को थ्योरी क्लास किए होंगे तो इसके बारे में भी आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ई ऑफिस डैशबोर्ड, ई ऑफिस डैशबोर्ड का पर्पस क्या है। टू प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू की इंफॉर्मेशन एंड टास्क, यही करता है, पर्पस है ई ऑफिस का डैशबोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ डज ई ऑफिस कंट्रीब्यूट टू रिमोट कोलैबोरेशन, तो इनेबल रियल टाइम कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट. शेयरिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट इज द मेन फीचर ऑफ द रिमोट कोलैबोरेशन. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच मॉड्यूल ऑफ ई ऑफिस फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कौन सा मॉड्यूल फोकस करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे, तो वो पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ही है. ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट. अगला क्वेश्चन है, इन ई ऑफिस व्हाट इज द रोल ऑफ द नॉलेज मैनेजमेंट मॉड्यूल, नॉलेज मैनेजमेंट मॉड्यूल का क्या रोल होता है, तो नॉलेज मैनेजमेंट मॉड्यूल का रोल है स्टोरिंग एंड मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज. ठीक है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ई ऑफिस फाइल ट्रैकिंग फीचर, फाइल ट्रैकिंग फीचर क्या करता है, वो करता है एक्सलरेट करता है डॉक्यूमेंट मूवमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में, एक्सलरेट करता है डॉक्यूमेंट का मूवमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा. ठीक है, फाइल ट्रैकिंग का मीनिंग. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द चैलेंज एसोसिएटेड विथ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई ऑफिस, क्या चैलेंज था, तो रेजिस्टेंस ऑफ चेंज. अब देखिए कोई भी चीज नया आता है तो दिक्कत तो होता ही है, परिवर्तन का प्रतिरोध. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द ई ऑफिस ऑडिट ट्रेल, अब ऑडिट ट्रेल क्या करता है, ट्रैक करता है, चेंज करता है एक्शन और डॉक्यूमेंट, दस्तावेजों पर परिवर्तनों और क्रियाओं को ट्रैक करना ही कहते हैं ऑडिट ट्रेल. अगला क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन इंडिया इनिशिएटेड द इम्प्लीमेंटेशन ई ऑफिस, तो मिनिस्ट्री का अगर बात करेगा तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक इंग्रीवेंस एंड द पेंशन, अगर ऑफिस कौन कौन लाया है तो एनआईसी. ठीक है, मिनिस्ट्री आपका कार्मिक विभाग, तो ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग. हाँ, गूगल मीट क्लास के बारे में थोड़ा बता दें कि बहुत लोग मैसेज करते हैं तो थोड़ा डिले मैसेज करते हैं, जब बैच आगे बढ़ जाता है तो उस समय हम बीच में नहीं लेते हैं, क्योंकि फिर आगे वाले जो स्टूडेंट है वो उनको डिस्टर्बेंस होता है, तो वो चीज आप लोग भी समझिए. देखिए बैच 1 5 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था, 5 अक्टूबर को, अब समझ लीजिए कि लोग कैसे इस बार लगे हुए हैं, उस बार और इस बार में जमीन आसमान का अंतर है कंपटीशन. देख लीजिए अक्टूबर से ही सब तैयारी में लगे हुए हैं, अभी तक नोटिफिकेशन का कोई कुछ नहीं है, फिर भी उन लोगों का सिलेबस भी खत्म हो गया, 15 फरवरी को उन लोगों का सिलेबस खत्म हो जाएगा. ठीक है, बैच वन का. बैच टू, बैच वन चलता है 9 से 10 बजे रात में, आप लोगों के पास तो टाइम ही है लिमिटेड, बैच टू चलता है 8 से 9 बजे. बैच टू का पेपर टू जो है वो बैच वन के पेपर टू के साथ ही चल रहा है, इस कारण से बैच टू भी जल्दी खत्म हो जाएगा इस बार, तो 3 दिसंबर से लेके उम्मीद कर रहे हैं अप्रैल तक खत्म हो जाएगा. ठीक है, अब बैच थ्री जो है ये 15 फरवरी को ये बैच खत्म हो जाएगा, तो 18 फरवरी को ये बैच थ्री इंट्रोड्यूस हम कर रहे हैं, इसका भी टाइम होगा 9 से 10 बजे, जब वो 9 से 10 स्लॉट बैच वन खत्म होगा तो बैच थ्री आ जाएगा. तो जो लोग भी गूगल मीट क्लास करना चाहते हैं तो अभी से ही अपना सीट बुक कर लीजिए. ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको. अब देखिए गूगल मीट क्लास में होता क्या, क्यों हम बार बार आपको बोलते हैं कि आप ऐप से नहीं पढ़िए, गूगल मीट पढ़िए. अब ऐप से पढ़िएगा तो आपको बस रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगा, संडे का मॉक टेस्ट मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा. अगर आपके पास एकदम समय नहीं है, लाइव क्लास नहीं कर सकते हैं रात में, तो आप ये काम कीजिए. दूसरा बात करते हैं कि लाइव क्लास में क्या प्रॉफिट, एक तो लाइव क्लास होगा, आप हमसे इंटरेक्ट होंगे, जो भी समस्या सीधे आप हमसे पूछ सकते हैं लाइव क्लास में. दूसरा रिकॉर्डिंग क्लास, अगर किसी का क्लास छूट गया, अभी तो सीजन आप लोग का चल रहा है तो खासकर डिपो वाले को तो परेशानी है अभी, तो उस कारण से रिकॉर्डिंग क्लास आपका छूट भी गया तो ग्रुप में चला जाएगा रिकॉर्डिंग क्लास. संडे मॉक टेस्ट होता है, हर संडे एक मॉक टेस्ट, रियल टाइम मॉक टेस्ट, यानी कि जिस तरह से एग्जाम में आप बैठ के एग्जाम दिए थे वही इंटरफेस पे आपको हम मॉक टेस्ट लेते हैं. ठीक है, वो आपको मिल जाएगा संडे मॉक टेस्ट. टॉपर्स का स्ट्रेटजी, जो टॉपर उस बैच में थे उनसे आप लोग बात करके पूछ सकते हैं क्या स्ट्रेटजी था, उस बार भी हम लोग टेक्निकल इंटरेक्ट किए थे. उसके बाद HW PDF, PDF भी आपको मिल जाता है, HW का तो पढ़ाते हैं वो अलग से, प्लस 100-100 क्वेश्चन टॉपिक वाइज आप लोग को दे चुके हैं. तो ये सब प्रॉफिट है लाइव क्लासेस में. तो आपको अगर जुड़ना है तो उसके लिए देखिए 4 दिन का हम डेमो देते हैं, 4-day demo, आप पहले पढ़ के देखिए, अगर आपको लगता है कि हम आपको समझा पा रहे हैं तो ही पेमेंट करना है, अथवा नहीं करना है. 4 दिन का डेमो देखने के लिए आपको इस दोनों नंबर में से किसी एक नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, FCI APS Batch 3 Demo Class, मेरे तरफ से आपको रिप्लाई
चला जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और ऐप, अगर ऐप के थ्रू आप लेना चाहते हैं तो बैंकिंग ब्लॉक का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।